हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। दोस्तों, मैंने एक बड़ी क्यूट मूवी देखी है जिसका नाम है सिनेमा बंदी। इतनी प्यारी है, ये राज और डीके ने बनाया। और आपको पता है, राज और डीके ने फैमिली मैन भी बनाया था। बहुत ही शानदार तरीके की सीरीज थी वो भी। और इतना मज़ा आया दोस्तों, मुझे इतना मज़ा आया इसको देख के। बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है, इनोसेंट सा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक विलेज के अंदर एक कैमरा, वीडियो कैमरा है जो वो पाया जाता है। और उसके बाद जो विलेजर्स हैं, उन्होंने बेचारों की ने ज़्यादा चीज़ें देखी नहीं है, उस कैमरा से वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बोलते हैं, हम भी मूवी बनाएंगे, महेश बाबू जैसी मूवी बनाएंगे, और जो साउथ के बड़े बड़े स्टार्स हैं उनकी जैसी, प्रभास जैसी मूवी बनाएंगे। और वो अटेंड करते हैं मूवी बनाने के लिए। अब ये जिसका कैमरा उस ऑटो में रह जाता है, वो भी उसको ढूंढ रहा है। और जिस तरीके की इनोसेंस होती है स्टोरी को फाइंड आउट करने के लिए, हीरो को फाइंड आउट करने के लिए, हीरोइन को फाइंड आउट करने के लिए, और क्या क्या वो चीज़ें स्कीम्स बनाते हैं कि कौन स्टोरी राइटर होगा, कौन हीरोइन होगी, और हीरोइन की सिलेक्शन कैसे होती है। एक बड़ा अच्छा सा सीन है, एक पोस्टर रहता है जहाँ पर वो बच्चों की फ़ोटो होती है ना, ये टॉपर था, और जैसे IIT वगैरह के बच्चे होते हैं, उसमें से वो चूज़ करते हैं कि यार ये लड़की ठीक लग रही है, इसको हीरोइन ले लो। तो बहुत ही प्यारी सी फिल्म है। जो हीरो है वो हीरो क्या है, जो इसको हीरो बनाते हैं वो भी बहुत ही मतलब फ़नी सा कैरेक्टर है। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है। इनोसेंट फिल्म्स जो होती है ना, जो दिल को छू जाती हैं, उस तरीके की हैं, मेरे को बहुत प्यारी लगी। अब ट्विस्ट भी होते हैं इस तरीके की मूवी के अंदर, क्योंकि आप देखोगे कि जिसने कैमरा छोड़ दिया वो वापस लेने तो आएगा। तो क्या इनकी मूवी पूरी हो पाती है कि नहीं हो पाती है, और ये मूवी का सक्सेस हो पाता है कि नहीं पाता है, उसके लिए आप मूवी देखो सिनेमा बंदी। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। कहीं ना कहीं मुझे इसमें ना नुक्कड़ की याद आई। नुक्कड़ एक बहुत पुराना सीरियल आता था 1980s में। वहाँ पर एक पर्टिकुलर एपिसोड था जिसके अंदर उनको एक टूटा हुआ ऑटो मिल जाता है, और वो जो ऑटो होता है उनको एक उम्मीद देता है कि इस ऑटो से हम शायद पैसे कमा पाएंगे, इसको ठीक कराते हैं। तो सारे जो लोग होते हैं नुक्कड़ में, वो पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और ऑटो को ठीक कराते हैं। और अल्टीमेटली जिसका ऑटो होता है टूटा हुआ, उसकी परमिशन तो ली नहीं होती, वो ऑटो ले जाता है। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट आप देखो कि ये जो कैमरा है ये वापस जाता है कि नहीं जाता है बिफोर द मूवी इज़ मेड। सो आई लव्ड इट। बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से इसको डिलीवर किया गया है, और मेरा स्कोर इसको रहेगा A+। ब्यूटिफुली मेड फिल्म, अ मस्ट वॉच।